सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माई न्यू वीडियो। एंड गाइज, दिल्ली की जो सर्दी है वो जानी रही है, होली आने वाली है और अभी तक लोग जैकेट में घूम रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, क्या है। तो गाइज, हैप्पी होली इन एडवांस एंड स्टे सेफ एंड प्ले सेफ। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सो गाइज, ये कहानी कुछ ऐसी है जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी। एंड गाइज, लास्ट वीडियो से याद आया, इफ़ यू ऑल वॉन्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो तो यहाँ पे क्लिक करो और उस वीडियो को देखना जरूर, बिकॉज उस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक टाइप का चैलेंज मैंने उस वीडियो में डाला है और मुझे मालूम है आप वो चैलेंज पूरा कर लोगे। चैलेंज मैं बताऊंगा नहीं, वो आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करो या मेरे चैनल में चले जाओ, तो आप लोग वो वीडियो देखो और अगर वो वीडियो अच्छी लगे हिट दैट लाइक बटन और चैलेंज पूरा करना जरूर करना। तो मैं कहा था हाँ, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो डाली तो मैं सोचा था यार अब कौन सी वीडियो डालूँ, अब मैं ऐसी क्या वीडियो डालूँ जो आप लोगों को अच्छी लगे। तो मैं अपने सारे फोल्डर्स देख रहा था कंप्यूटर पे और उसमें से मुझे दिखा ऑटो एक्सपो का फोल्डर। एंड देन मैं सोचा लेट्स मेक ए वीडियो जो मैंने ऑटो एक्सपो में जो मैंने कॉन्सेप्ट देखे थे। इस साल का ऑटो एक्सपो था उसमें अधिकतर कॉन्सेप्ट थे, तो मेरे को जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा वो था टाटा HBX। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट डू वन थिंग, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड सपोर्ट माय चैनल एंड सपोर्ट माय वर्क गाइज। तो गाइज, सबसे पहले टाटा के लिए हैट्स ऑफ, बिकॉज काफ़ी अच्छा बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन था, बहुत ही अमेजिंग इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे शोकेस किया था। और HBX के साथ साथ इन्होंने टाटा CR का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवील किया था, शोकेस किया हुआ था। और अगर आपको टाटा CR के बारे में कुछ जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो यहाँ बैठे हैं 100% बनाएंगे वीडियो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिज़ाइन के बारे में बताऊं, तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और जो डिज़ाइन फ्लो है, जैसे कि आप लोगों ने टाटा हैरियर और एल्ट्रोस को देखा होगा, तो वही डिज़ाइन फ्लो में इसको डिज़ाइन किया गया है। साथ ही साथ गाइस, जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो टाटा हैरियर से ली गई है, आप देख सकते हो जो DRLs हैं वो बिल्कुल सेम टाटा हैरियर जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन है वो 19-20 का उसमें अंतर है। और स्प्लिट हेडलैम्प्स है इसमें जो कि सेम जो इनका डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट जो नाउ डेज आ रहा है गाड़ियों में, एल्ट्रोज में भी आया है, साथ ही साथ टाटा हैरियर में भी है, इसमें भी है, CR में भी आएगा और जो इन फ्यूचर जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें यही डिज़ाइन फ्लो रहने वाला है, यही जो बॉडी टाइप है रहने वाली है। और जो इसकी लेंथ है गाइज वो नॉर्मल एक हैचबैक जितनी रहेगी, या तो एल्ट्रोज या मारुति सुजुकी स्विफ्ट के टाइप में जो इसकी लेंथ है वो रहेगी, बट जो इसकी हाइट और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक SUV टाइप में रहेगा। एंड ये एक माइक्रो SUV है, बट जैसे कि मुझे लुक लग रहा है, जैसे कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, मुझे लग नहीं रहा है कि एक माइक्रो SUV है, ये एक प्रॉपर SUV टाइप में। बट जो इसकी राइवल्स है वो आपको KUV महिंद्रा KUV 100 एंड मारुति इग्निस है, तो मान के चलो जितना उसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसका ही थोड़ा बहुत आप मान के चलो इससे ज़्यादा होगा, तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है। देन गाइज, जितनी भी इसमें SSDs लगी हुई है, रूफ रैक फ्रंट में जो स्पॉट लाइट्स है वो अभी कॉन्सेप्ट में ही है, जब ये लॉन्च होगी तो शायद ही इसमें होगी, बट आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग देख यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हो, अगर आप लोगों ने ये गाड़ी ली तो ऐसा एक आप उस गाड़ी का लुक बना सकते हो, टायर्स हो गए या रूफ रैक हो गए। और गाइज, दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगी वो है इसकी टेल लैंप्स, बिकॉज टेल लैंप्स में जो इसका फाइव वाला जो डिज़ाइन है आप लोग देख सकते हो, ये एक इसका टाटा का एक ही ब्रांड डिज़ाइन है, बिकॉज ये इनकी एक ह्यूमैनिटी लाइन है। और जितना मुझे लग रहा है जो इसकी टेल लाइट्स है वो काफ़ी चेंजेस होंगे उसमें जब वो रियल में आएगी, ये तो कॉन्सेप्ट में, बिकॉज जो इसका साइड व्यू में जो इसके साइड टेल लैंप्स है उसमें भी चीज़ें अलग अलग है, और जो इसका रियर में भी जो मैंने लाइट्स देखी है DRLs ऑन थे ओनली इसमें, बट अगर ऐसा ही रखें रियल में भी तो बहुत अच्छी लगने वाली है। और प्राइस मुझे अभी मालूम नहीं है, बट इसकी जो रिलीज़ डेट है वो या तो एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही होगी। सो दैट्स इट गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन विच आई गेव टू यू, सो हिट दैट लाइक बटन। प्लस अगर आप लोगों को और कुछ जानना है या इसमें लगा कि कम है कुछ, सो कमेंट सेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कमेंट सेक्शन है,
बता सकते हो क्या गलत है क्या सही है, क्या अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो वो भी बताओ, वो भी पूछो, आप लोगों के लिए है, गो हैड। और साथ ही साथ शेयर माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, जिसको भी टाटा हैरियर या जिसको भी टाटा की नई गाड़ी के बारे में जानना है तो उसके साथ शेयर करो। और उसी के साथ साथ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सबसे मेन है, सबसे मेन है। सो गाइस दैट्स इट। एंड हाँ, जाने से पहले गाइस इस वीडियो में एक और चैलेंज मैं आप लोगों को दूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताना कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या न्यू लगा वीडियो के अंदर, कहीं पे भी आप लोगों को मिल सकता है, ये आप लोगों की चैलेंज है। अगर आप लोगों ने वो बताया तो जो भी उसका आंसर देगा उसके लिए एक गिफ्ट रेडी है मेरी तरफ से, उसके लिए 100% एक गिफ्ट रेडी है। तो मुझे बताओ कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या नया लगा। सो गाइस दैट्स इट, नई वीडियो जल्दी आने वाली है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।